70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने आकर 6 सालों में ऐसी अर्थव्यवस्था कर दी है कि हम वापस अब बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ से भी पीछे होने जा रहे हैं। अब हम बांग्लादेश से अपना मापदंड करेंगे, अमेरिका चाइना से नहीं करेंगे बहुत जल्दी। आप बांग्लादेश की ग्रोथ रेट देख लीजिए, हमसे ज़्यादा बेटर है। जितना अमेरिका और चाइना की वॉर हुई ट्रेड को लेकर, हमें बेनिफिशियरी होना चाहिए था, हम नहीं, वियतनाम और बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे देश उसके बेनिफिशियरी हुए। तो कहीं पर ये सरकार अपनी गलती मानती नहीं है, लेकिन गलती ना मानने का नतीजा हम और आप भुगत रहे हैं। एक कंपनी है 500 गाड़ियां बनाती है दिन की, अगर गाड़ियां बिकती नहीं है तो वो रिड्यूस कर देती है प्रोडक्शन, 250 गाड़ी बनाने लगती है, क्योंकि सारी मशीनों को सारे वर्कर्स को काम पे लगाना बेबुनियाद है जब बिक्री हो नहीं रही है। उस 50% को कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहा जाता है। जब इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, जब इकोनॉमी में कंजम्पशन नहीं हो रहा है, तो ज़्यादातर कंपनियां हिंदुस्तान में 50 से 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में काम कर रही हैं। अगर आपने उनको टैक्स रिलीफ दे भी दिया है, बिकॉज देर इज नो डिमांड, बिकॉज देर इज लो कंजम्पशन, दे विल नॉट इन्वेस्ट। वाई विल दे इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट्स व्हेन देर इज नो डिमांड? सो सबसे पहले तो जो आपने कॉर्पोरेट टैक्स काटा, उससे इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और डिमांड पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, कॉर्पोरेट्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मैं पार्टी के संबंधित बात नहीं करना चाहती थी, बोस्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन कहीं पर आईना दिखाना जरूरी है। मैंने कहा था मैं एनडीए के ही आंकड़े कंपेयर करूंगी, और उसी आंकड़ों को कंपेयर करने के बाद मैंने बोला कि एक ही क्वार्टर में 3.5-4 लाख करोड़ रुपए की कर्जे में वृद्धि हुई। अगर आप ये यूपीए ने जब सरकार छोड़ी थी 2014 से कंपेयर करिए, तो लगभग लगभग 34 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा है, 34 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा है। और सवाल हम सबके सामने है कि दिख नहीं रहा है वो कहां इन्वेस्ट हो रहा है, किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी करी जा रही है, किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, क्यों नहीं जॉब क्रिएट हो रही है अगर इतना कर्जा लिया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। और कहीं पर एक आंकड़ा आपसे और शेयर करना चाहती हूं, 2012-13 का जब वित्तीय वर्ष था, फाइनेंशियल ईयर 2012-13, आर ग्रोथ रेट वॉज एट 5.4%। और आप में से जो लोग वित्त और इकोनॉमी को ट्रैक करते हैं, तब टेपर टैंट्रम के नाम से एक इवेंट हुआ था, बेन बर्नान के फेड के चीफ थे, उन्होंने कहा था हमें टेपर करना पड़ेगा, और फिर रुपया और बाकी करेंसी जबरदस्त टूटी थी। उस दौरान हमारी आर्थिक ग्रोथ 5.4% थी, और इसी सरकार के नए आंकड़ों पे वो ग्रोथ 6.9% एक साल में हुई, 1.5% की वृद्धि एक साल में हुई, फ्रॉम 5.4 इट वेंट अप टू 6.9% डिस्पाइट मेनी हेडविंड्स। बहुत सारी चीजें हमारे अगेंस्ट थी, चाहे वो टेपर ट्रांट्रम था, चाहे वो रुपी था, चाहे वो आर्थिक मंदी थी, चाहे ऑयल प्राइसेस थे जो बहुत हाई थे। आज अगर मैं देखती हूँ, हमारा कर्जा बढ़ा है, हमारी ग्रोथ कम है, फिस्कल डेफिसिट के साथ कहीं खिलवाड़ हो रहा है, और तो और न जॉब क्रिएट हो रही है, न आम आदमी के हाथ में पैसा आ रहा है, पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड बढ़ते जा रहे हैं, जबकि कच्चा तेल जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, और हमारी खुद की बास्केट जो है ब्रेंट बास्केट ऑफ इंडिया, वो काफी सब्सटैंशियली लोअर हुई है देन व्हेन वी वर इन गवर्नमेंट। तो कहीं पर यह सोचने की जरूरी बात है कि क्या सरकार बिल्कुल भी सोच नहीं रही है आर्थिक स्थिति के बारे में? क्या कोई भी सामंजस्य नहीं है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई, बिटवीन द व्हाट द गवर्नमेंट इज टेलिंग द बैंकर्स, बिटवीन व्हाट द बैंकर्स आर टेलिंग द आरबीआई? इट ऑलमोस्ट सीम्स टू बी अ स्टेट वेयर द गवर्नमेंट इज लाइक एन एलिस इन वंडरलैंड। इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैरी एंटोइनेट सेइंग इफ यू डोंट हैव अ ब्रेड हैव केक इंस्टेड, अगर रोटी नहीं है तो केक खा लीजिए। और इतनी बिविल्डर्ड स्थिति में एक सरकार है, तो ये पूछना जरूरी हो जाता है कि आप बोरोइंग तो करते जा रहे हैं एक बड़े मायोपिक तरीके से, बड़े शॉर्ट टर्म में आप बोरोइंग करते जा रहे हैं, आने वाले समय में आप कर्जा लाद रहे हैं, आने वाले समय में कर्ज की दर बढ़ेगी, आने वाले समय में घर गाड़ी और बाकी चीजें खरीदना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोन रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि जब आप इतना बोरो करते हैं तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंटरेस्ट रेट पे होता है। ये सरकार बहुत ही नियर टर्म में सोच के काम कर रही है, कोई स्ट्रैटेजी के बिना काम कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है ये सवाल उठाने जरूरी है। थैंक यू सुप्रिया जी। हम पहले सुओ मोटो पे सवाल लेंगे, और उसके बाद आपके अन्य सवाल है उसके जवाब देंगे। विच डेटा आर यू रेफरिंग टू, कौन सा? नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट, ये पब्लिक डेट मैनेजमेंट का डेटा है, ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, वहां आज के अखबार निकलता है, आज के अखबारों में है ये डेटा, आप देखेंगे तो।
आज के जितने भी वित्तीय अखबार हैं सबने रिपोर्ट किया ये डेटा। ये एक रेगुलर डेटा है जो रिपोर्ट होता है। अलार्मिंग इसलिए है क्योंकि एक ही क्वार्टर में 3.5-4 लाख करोड़ का कर्जा कैसे बढ़ गया। यूपी के कहां पर बांदा में हुआ ये? मैं अभी अभी महाराजगंज से लौटी हूँ, मेरी कंस्टिट्यूएंसी है, एक दिन के लिए लखनऊ में भी थी। यूपी में जिस तरह का क्राइम अगेंस्ट वुमन हो रहा है, जितने अपराध औरतों के खिलाफ हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूपी से हूँ, बड़े गर्व से कहती हूँ कि उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन मेरा सर वाकई में शर्म से डूब रहा है। जो NFHS का सर्वे आया है उसमें हम नंबर 1 पर हैं सारे राज्यों में क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे, डोमेस्टिक वायलेंस पे हम नंबर 2 पर हैं राजस्थान के बाद, एसिड फेंकने में यूपी की जगह जो है वो नंबर 2 पर है वेस्ट बंगाल के बाद। तो कहीं ना कहीं यूपी में जो क्राइम का ग्राफ महिलाओं के खिलाफ है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, और इसकी जवाबदेही कौन करेगा, ये सवाल मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रही हूँ। क्यों शासन इतना लाचार है, क्यों लोगों को इतना संरक्षण दिया जा रहा है, और क्यों औरतों के खिलाफ ऐसे मामले सिद्ध हो रहे हैं? लोगों के पास पैसा नहीं है। देखिए इस सरकार ने क्या कर दिया है, और मैं एक आर्थिक जगत से आती हूँ, एक इकोनॉमिक थिंकिंग है मेरी, इस सरकार ने कैश को डीमोनाइज कर दिया है। कैश होना एक पाप हो गया। अगर आपके पास 1,000 रुपये आपके वॉलेट में है तो आपको बड़े संदिग्ध दृष्टि से आज देखा जा रहा है। अगर आपके पास 10,000 रुपये आपके बैग में तो आपको डर लगता है कहीं कोई पूछ ना ले। कैश इज नॉट द डीमन। लोगों के पास आज सामर्थ्य नहीं है खरीदने का। पीपल डोंट हैव फेथ इन द इकोनॉमी। लोगों को आज ये लगता है कि मैं 6 लाख की गाड़ी खरीद लूं जिसकी EMI 20,000 रुपये महीना बनेगी, मेरे पास नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी आज से 6 महीने बाद उस EMI को चुकाने की। इसलिए आज की तारीख में डिमांड कम है, बिकॉज जॉब लॉसेस हो रहे हैं, बिकॉज डिमांड कम है, बिकॉज कंजम्पशन कम है, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है। ये बिल्कुल गलत है कहना कि ब्लैक मनी नहीं है इसलिए लोग नहीं खरीद रहे। फिर तो हम शायद हिंदुस्तान की सारी जनता और उनके सारे कंजम्पशन पर एक सवाल उठा रहे हैं कि आज तक उन्होंने शायद इसीलिए कंजम्पशन किया क्योंकि उनके पास काला धन था। ऐसा बिल्कुल गलत है। और जो काले धन के नुमाइंदे बनते थे, मैं ये भी बता दूं, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ, पीपल हु वर कंसिडर्ड कस्टोडियंस ऑफ इराडिकेटिंग ब्लैक मनी, उनको तो मुंह की खानी पड़ी। आपने डिमोनेटाइजेशन किया, आपने सारे देश को एक अपने खुद के पैसे के लिए लाइन में खड़ा कर दिया, और अंतोगत्वा 99.9% पैसा RBI के पास वापस आ गया। शिफ्टिंग गोल पोस्ट होते रहे उस समय कि हम इसलिए डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं कि टेरर फाइनेंसिंग कम होगी, वो खत्म हुआ। हम इसलिए कर रहे हैं कि ऑनलाइन पेमेंट्स बढ़ेंगे, वो खत्म हुआ। हम इसलिए कर रहे हैं कि हम इकोनॉमी में से ब्लैक मनी हटा रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्टिव तो नहीं मीट हुआ। तो कहीं पर यह सवाल उठता है कि आप ब्लैक मनी के नाम पे आपने खिलवाड़ किया इकोनॉमी पर अब सुधर जाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए, ये इक्के दुक्के इधर उधर के काम मत करिए। डू नॉट प्ले विद द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। वी विल बी द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। वी मस्ट हैव कंजम्पशन, वी मस्ट हैव डिमांड, एंड ओनली दैट विल इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा कि यह सरकार कर रही है, मुझे डाउनफॉल ही होता दिख रहा है। अच्छे लोग हैं जो इकोनॉमी समझते हैं, समझ रखते हैं, उन्होंने बड़े खुल के कहा है कि आप एक सर्वसम्मति से एक पूरे ऑपोजिशन को इनवाइट करिए, हम बैठकर एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये गलती हुई है, आप स्वीकारिए कि आप नहीं संभाल पा रहे, और हम बैठकर उसको संभालने का काम करते हैं। आप वो नहीं करना चाहते हैं, आप हेडलाइन मैनेजमेंट करना चाहते हैं। तो जब तक गवर्नमेंट सुर्खियां में रहने की, सुर्खियां बनाने की कोशिश करती रहेगी, जब तक सरकार एक स्ट्रैटेजी से, देखिए आर्थिक स्थिति सिर्फ ये नहीं होती कि GDP ग्रोथ 5% है और कर्जा इतना हो गया है। आर्थिक स्थिति बड़े सुनियोजित ढंग से चलाई जाती है। जो अर्थव्यवस्था होती है उसके 4 पहिए होते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स, प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स और कंजम्पशन। आपके उसमें से 3 पहिए बैठे हुए हैं। एक्सपोर्ट्स बिल्कुल ठप है, कंजम्पशन ठप है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ठप है, एक ही चीज चल रही है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और वो इसलिए चल रही है क्योंकि सरकार जबरदस्ती अपनी कंपनियों से अपने कारण पैसा खर्चा कर रही है। जब तक आप उन 4 पहियों को चलाने की कोशिश नहीं करिएगा, उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाइएगा, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है अगर यही ढर्रा चलता रहा तो चीजें और खराब होंगी। ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे और शायद ये लोगों से बात करें, उनके सुझाव लें, और फिर एक अच्छे तरीके से सुनियोजित करें, तो मैं आशा कर सकती हूँ और प्रार्थना कर सकती हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था सुधरे।